हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपने चैनल स्पोर्टिंग क्रिकेट में। यह मैं आपको क्रिकेट से जैसे बड़े बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है जैस्टिन लैंगर के हवाले से। उसकी बड़ी खबर जैस्टिन लैंगर के मुताबिक मार्नस लबुशन को इस साल IPL में अच्छी रकम मिलने वाली है और उनकी अच्छी बिट होने वाली, क्योंकि उन्होंने बिग बैश लीग में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है और उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की है और उनको इस साल होने वाले IPL के ऑक्शन में अच्छी बिट होने वाली है। ये कहना है जैस्टिन लैंगर, जो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच है, क्योंकि मार्नस लबुशन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है इंडिया के खिलाफ और बिग बैश लीग में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है चेतेश्वर पुजारा के हवाले से। उसकी बड़ी खबर जो रूट के मुताबिक चेतेश्वर पुजारा की विकेट हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। अगर चेतेश्वर पुजारा की विकेट हमें पहली सेशन में मिल गई तो हमारे गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जो चेतेश्वर पुजारा जिस तरह खेलते हैं बैट्समैन गेंदबाज उस वक्त गेंदबाज को कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और वो गेंदबाज को बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। ये कहना है जो रूट का। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है IPL 2021 के हवाले से। उसकी बड़ी खबर IPL 2021 के सभी जो ट्रेडिंग विंडो थी वो 4 फरवरी को कल यानी 12 बजे रात को ख़त्म हो गई है और जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी कल रात 12 बजे को ख़त्म हो गई है और अब 12 तारीख को सिर्फ जो एडिटिंग फॉर्म है, यानी कि जो भी खिलाड़ी जिन्होंने भी नाम भरा है वो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, बाकी 4 फरवरी तक के बाद अब कोई भी खिलाड़ी फार्म नहीं भर सकता है और वो IPL के ऑक्शन में अपना नाम नहीं दे सकता है, यानी कल रात 12 बजे के बाद। ये अब तो पूरी तरह से तय हो चुका है, जितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन दी है अब BCCI उन पर सभी खिलाड़ियों के नाम अब 2-3 दिनों में अब सभी नाम सामने रखेंगे और जिन जिन खिलाड़ियों ने नाम बताए हैं सभी खिलाड़ियों के नाम, उसके बाद अब IPL फ्रेंचाइजीज को बोला जाएगा कि किन किन खिलाड़ियों को आप IPL के ऑप्शन में चाहते हो, उन्हीं खिलाड़ियों को IPL के ऑप्शन में जाने की इजाज़त दी जाएगी और बाकी खिलाड़ियों को वहीं पर निकाल दिया जाएगा। अगर 1000 खिलाड़ी होंगे उनमें सिर्फ 400 खिलाड़ियों को ही IPL के ऑप्शन में जाने की परमिशन होगी, बाकी 600 खिलाड़ी वहीं पर बाहर हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।